इसलिए ये नाम बहुत अच्छे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं बच्चों का नाम बताएं, तो मैं उनको पहले नंबर पे हसन या हुसैन बताता हूं। हमारे हजरत फरमाए करते थे बच्चों का जब नाम रखें तो उसमें इन अल्फाज को देखा करें, या तो हासीन नून आ रहा हो, हासीन नून, क्योंकि ये हुसन से निकला है। हुसन से सिर्फ खूबसूरती को नहीं कहते, हर चीज में उम्दगी को अरबी में हुसन कहा जाता है। तो हासीन नून जिस नाम में भी आ रहा है वो नाम रखें, जैसे हसन है, हुसैन है, मोहसिन है, अहसन है, हसान है। समझ गए? पांच नाम तो ये हो गए, हसन, हुसैन, मोहसिन, अहसन और हसान, और भी शायद कोई हसीन भी ठीक है। तो बच्चों का नाम इन छह नामों में से एक रखा करें, ये बहुत बेहतरीन सेलेक्टेड नाम है। दूसरा, ये नहीं रखना चाहते तो ऐसा नाम रखें जिसमें हामीम और दाल आ रहा हो, हामीम और दाल, हम्द, काबले तारीफ, क्योंकि हामीम दाल जिस नाम में आ रहा है तो बच्चे को जब भी लोग पुकारेंगे तो क्या मतलब, काबिले तारीफ, ये तारीफ के काबिल है, इसकी सिफात अच्छी है। जैसे हम्माद है, मुहम्मद है, अहमद है, हमीद है, और भी बताएं, हामीम दाल आ रहा हूं, हामिद है, अहद नहीं, अहद में हामीम दाल नहीं आ रहा, अहमद है, मुहम्मद है, हम्माद है, हमीद है, और भी शायद बाद में सोचूं तो दिमाग में आ जाए जी, मुबशिर में बाशीर, भाई आपका नाम थोड़ी जो मुबशिर से आप बैठे हैं तो मुबशिर, अच्छा महमूद, महमूद, ये लफ्ज महमूद नहीं है, महमूद, मुहम्मद भी है, मोहम्मद भी है, तो ये सब नाम हुए जिनमें काबिले था। तीसरे नंबर पे हज़रत फरमाए कर, और बिल्कुल सही बात फरमाते, बहुत अच्छा ये नाम रखने में एक बहुत अच्छी एक पहलू है जिसको उन्होंने हाईलाइट किया। और तीसरा फरमाया करते थे, या वो नाम रखें जिसमें सीन, ऐन और दाल आ रहा है, साद, क्योंकि अरबी ये सादत से निकला है, सादतमंद, सादतमंद अरबी में कहते हैं नेक बख्त को, खुशकिस्मत को, जो दुनिया में भी खुशकिस्मत हो और आखिरत में भी खुशकिस्मत। कुरान ने जन्नतियों को सईद कहा है, फअम्मल लदीना सुईदू, तो सीन ऐन और दाल का लफ्ज जिस नाम में आ रहा है, जैसे सईद, जैसे मसरूद, जैसे साद, नहीं आ रही बात यार, क्या खवातीन में सईदा या सादा, सादा नाम भी खवातीन का है, सादा, असाद, स्वाद नहीं है ये, सीन है, असाद, सईद, लोग फोन करके दिमाग खा जाते हैं ना, बच्चा पैदा हो गया नाम क्या रखा।